हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो एक दवाई के बारे में, जिसका नाम है न्यूरोट्रॉल। ये आप देख सकते हो, ये पैकेट कुछ दिखने में ऐसा दिखता है और ये ड्रग देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो दवाई है एक स्टेरॉयड है जो कि इन्फेक्शन के दौरान आप यूज़ कर सकते हो, और कोरोना के पेशेंट में भी बहुत ही आजकल ये चल रहा है। और ये है इंजेक्शन के फॉर्म में, मतलब IV के फॉर्म में। और ये जो दवाई है ये जैसे कि हॉस्पिटल में दिया जाता है, ICU में दिया जाता है, इमरजेंसी केस में दिया जाता है IV का फॉर्म। और ये टेबलेट के फॉर्म में भी मिल जाता है। जो पेशेंट कैपेबल है ओरली पील लेने का, उनको कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। और वो जो टैबलेट का फॉर्म है वो 2 mg से लेकर 10 mg तक मिल जाता है, और 30 mg तक भी मिल जाता है टैबलेट के फॉर्म में। और ये जो दवाई है ये 125 mg का है, और इसका 500 mg का भी मिल जाता है, और 1000 mg का भी मिल जाता है। और इसका जो प्राइस है 125 mg का प्राइस है 141, और ये जो 1000 का जो है वो लगभग 200 के अंदर आपको मिल जाएंगे IV का जो मेडिसिन है। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसीलिए कोरोना के पेशेंट को आजकल बहुत ही दिया जाता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उसको भी ये मेडिसिन मतलब स्टेरॉइड दिया जाता है। बट ये जो है ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ज़्यादा अगर लोगे तो। ये ज़्यादा आजकल आप लोग सुन ही रहे हो कि ब्लैक फंगस स्टेरॉइड की वजह से होता है, ओवरडोज लेने से होता है, या फिर लॉन्ग टाइम लेने से होता है, जो कि ये स्टेरॉइड है। और ये आपको बहुत सारा ब्रांड का मिल जाता है, लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है वो दवाई जिसका नाम है, जिसका ब्रांड नेम है न्यूरोट्रॉल, और ये 125 mg का है, और एक स्टेरॉइड है, ये कॉर्टिको स्टेरॉइड क्लास का ड्रग है। और अभी इसका यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है इसका जेनरिक नेम और ब्रांड नेम के बारे में। जो ब्रांड नेम है वो है न्यूरोट्रॉल, और मार्केट में आपको ये 40 mg, 125 mg, 500 mg और 1000 mg का मिल जाएंगे। जनरली ये ड्रग हॉस्पिटल में सप्लाई होते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन कई बार सीरियस पेशेंट को भी लगाया जाता है, जो पेशेंट अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। अभी हम बात कर लेते कंपनी के बारे में जो मैन्युफैक्चर करते हैं। जो कंपनी है वो है न्यूऑन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो पैकेट में ऑलरेडी मेंशन किया है। और इसका जो प्राइस है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 141 rupees का है, और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो वो भी। अभी बात कर लेते थोड़ी बहुत कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन जैसे कि मिथाइन पिनिसोलिन और सोडियम सक्सिनेट, ये दो मेन इंग्रेडिएंट है इस दवाई का। अभी देख लेते हैं इसकी यूजेस के बारे में। जनरली एलर्जिक रिएक्शन में ये दवाई यूज़ किया जाता है, मल्टीपल सिरोसिस में भी ये दवाई यूज़ करते हैं, जो कि एक डिजीज़ है। और ये नर्वस सिस्टम को नर्व जैसे सही में काम नहीं कर पाते तब ये दवाई दे सकते हैं हम। ल्यूपस डिजीज़ में भी ये दवाई दे सकते हैं, जो कि अपनी बॉडी, खुद का बॉडी खुद को हर्म करता है, मतलब अटैक करता है। कोई भी पेट का इन्फेक्शन हो रहा है तभी ये दवाई दे सकते हैं, और तो और आर्थराइटिस में भी ये दवाई दे सकते हैं। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में अगर पेन होता है तो भी ये दवाई दे सकते हैं। ये जो दवाई है ये इंजेक्शन फॉर्म में है, जैसे कि आपको पता ही है ऑलरेडी, और इसका टैबलेट का फॉर्म में भी मिलता है, जो कि 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, 30 mg तक मिल जाता है। ये जो दवाई है स्किन की प्रॉब्लम में भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, ईचिंग अगर होते हैं वो रिड्यूस करने के लिए ये दवाई यूज़ करते हैं, या फिर छोटे छोटे बम्स हो गए तब भी आप ये दवाई यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये रेड मार्किंग है, आपको ये खुद प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही आपको ये लेना है, ये कंपलसरी है। और ये अभी देख लेते हैं कि कैसे लगाया जाता है ये IV फॉर्म। पहले तो 30 मिनट स्लोली ये इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है, और ये पाउडर के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में अनस्टेबल होता है। सो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको पाउडर फॉर्म बनाते हैं, और इसके साथ आप डिस्टिल वाटर यूज़ करके इसको डाइल्यूट कर सकते हो, फिर पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसका जो इनिशियल डोजेस है वो है 10 से 500 mg तक आप दे सकते हो, वो भी पेशेंट का कंडीशन और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना देना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। हेडेक, डिजीनेस,
और आपका जो हीलिंग पावर है, जैसे कि आपको कट हो गया वो हील करने में टाइम लग सकता है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके स्किन में एक्ने भी हो सकता है, स्किन डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आप में से किसी को भी ये सिचुएशन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और ये जो दवाई है ये आप बंद कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इस दवाई का कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीवी है, तो अगर आप कोई भी पेशेंट को ये ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो आप ये दवाई आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। और जिस पेशेंट में हर्पीस जोस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, वो भी एक स्किन डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन को काटने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये स्टेरॉयड, तो आप ये हर्पीस जोस्टर अगर किसी भी पेशेंट में हो रहा है तो ये दवाई आप लोग ना लें तो बेटर रहता है। किसी भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, जैसे कि पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंटेस्टिनल, जैसे कि पेट में अगर राउंड वर्म हो रहा है, तो उसके लिए आप ये दवाई ना लीजिए। जिस पेशेंट में थायराइड हार्मोन स्लोली सिक्रेट हो रहा है, मतलब थायराइड हार्मोन लेवल लो है, तो उस पेशेंट के लिए भी ये स्टेरॉयड लेना खतरनाक है। जिस पेशेंट में जो पेशेंट डायबिटीज़ है, जो पेशेंट में ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उनको भी ये दवाई हार्म कर सकता है, ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी ये स्टेरॉयड लेना मना है। तो आप लोग ये दवाई लेने से पहले एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर के साथ। सो मैं आपको इस दवाई का जो पाउडर फॉर्म है वो कैसा दिखता है वो दिखा देती हूँ। ये थोड़ा बहुत ही रहता है, देखने में बहुत ही छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन जब ये डिस्टिल वाटर के साथ या फिर सलाइन वाटर के साथ ये जब डाइल्यूट होगा, मिक्सअप होगा, तब पेशेंट को दिया जाता है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आई वी फॉर्म बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो यही था इस दवाई का छोटा मोटा रिव्यू। आप लोग देख सकते हो ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। दवाई के बारे में छोटा मोटा रिव्यू। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आपको फर्दर डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बी सेफ एंड बी हेल्दी। ओके, बाय बाय।